सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक पिता ने अपने बेटे को बाजार भेजा 100 रुपए देकर। जा बेटा, बड़े बड़े पके पके फल आ गए हैं, जाओ जरा बाजार से ताजे ताजे पके पके फल लेकर आओ। बेटा चला बाजार, 100 रुपए लेकर गया। रास्ते में ही क्या हुआ कि एक मंदारी बंदर को नचा रहा था। यह आदमी भी देखने लगा, और जब बंदर देखने लगा तो इसको इतना अच्छा लगा, बंदर नाच रहा था। बंदर ने खेल पूरा दिखाकर पैसे मांगे तो ये बड़ा इंप्रेस हो गया बंदर के नाच से। 100 रुपए जो पिता ने दिए थे सामान के लिए, 100 रुपए इसने बंदर को पकड़ा दिया। बंदर चला गया। अब इसे याद आया कि मैं आया क्यों बाजार। अब बाजार में आया, अच्छा फल लेने आया। जब तक दुकान में गया, दुकानें बंद हो चुकी थी। कुछ दुकानें खुली, जाकर देखा कि चलो फल ले लूं। जेब में हाथ डाला तो पैसे नहीं, पैसे खर्च हो गए। खाली हाथ पिता के पास चला गया। ये छोटी सी कहानी आपने सुनी, अब इसका आध्यात्म क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। एक पिता ने अपने बेटे को 100 रुपए देकर बाजार भेजा। ये पिता कौन है और बेटा कौन है और बाजार कौन है? पिता है परमपिता परमात्मा, बेटा है आप और हम। हम सभी को भगवान ने, संसार एक बाजार है, इस संसार में भेजा है 100 रुपए देकर। 100 रुपए क्या है? 100 साल की उम्र। आपकी आयु कितनी है? लगभग हम कितनी आयु मानते हैं मनुष्य की? 100 वर्ष। कोई 70 कोई 80 में निपट जाए वो अलग विषय है, पर आयु 100 वर्ष की ही निश्चित मानी जा रही है। ईश्वर ने हमें 100 वर्ष की आयु दी, और आयु देकर 100 रुपए देकर कहां भेजा? बाजार में भेजा। ये बाजार क्या है? संसार के बाजार में हम आए किस लिए? फल लेने आए। कौन से फल? अच्छे अच्छे कर्मों के फल। लेकिन यहां मंदारी का खेल हम उलझ गए। ये मंदारी का खेल क्या है? आप सब लोग नाच रहे हैं, कभी पत्नी नचाती है कभी पति नचाता है। आप लोग कहते हैं हम तो सवेरे से नाच रहे हैं, सच्ची बताएं आप लोग बंदर बन के नाच ही तो रहे हैं। कोई पति का बंदर बन के, कोई पत्नी का बंदर बन के, कोई बच्चों का बंदर बन के, आप सब नाच रहे हैं। और इसी नाचने नाचने में कितनी उम्र बीत गई, कितने रुपए खर्च हो गए? 100 रुपए। आप लोगों ने जब से हो संभाला तब से नाच रहे हो, बुढ़ापे तक नाचते हो, और नाचते नाचते 100 रुपए खर्च हो गए। मतलब 100 साल की उम्र। भगवान ने 100 साल दिए थे कि कुछ अच्छे कर्म करना, लेकिन अच्छे कर्म तो किनारे रह गए। केवल नाचता रहा पत्नी के लिए, पति के लिए, पुत्र के लिए, परिवार के लिए, पैसों के लिए नाचता रहा। और जब 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 होश आया कि भाई संसार में क्यों आए, तब तक दुकानें बंद हो गईं। मतलब आंखें बंद होने का समय आ गया, यमराज आ गए और भगवान के पास चला गया। पिता ने कहा 100 रुपए कहाँ है? सामान लाया कि नहीं? सामान नहीं लाया तो 100 रुपए वापस कर। पैसे भी खर्च हो गए, सामान भी नहीं मिला। आपके जीवन में मुझे ये बताओ, आपकी कितनी आयु हो गई अभी वर्तमान में? किसी की 35 है, किसी की 50 है, किसी की 60 है, किसी की 70 है, किसी की 80 है, किसी की 20 साल की आयु हो गई, किसी की 10 की ही है। ये बताओ आपकी इतनी आयु बीत गई, मुझे ये बताओ कि आज तक की आयु गुजार के आपने क्या पाया? हिसाब दो जरा, इतनी आयु का ही हिसाब दे दो। अभी जो बची है वो आयु का हिसाब फिर भगवान को देना। अभी मुझे ये बताओ कि जितनी आयु तुम्हारी गुजर गई उतनी आयु में तुमने क्या पाया? कहोगे महाराज हमने बच्चे पाए, तो बच्चे तो सुअर के भी होते हैं। महाराज हमने पैसा पाया, तो पैसा तो वैश्या भी कमा लेती है। महाराज हमारा तो बड़ा नाम है, हाँ नाम तो बहुत लोगों का है, कोयल का भी नाम चल रहा है मार्केट में, कुत्ते का भी नाम है। नाम ना होता तो लोग कुत्ते क्यों पालते? क्या पाया तुमने? ये जो तुमने पाया है बेटा बेटी धन दौलत पद प्रतिष्ठा, मुझे ये बताओ क्या तुम्हारे यहां से जाने पर इनमें से कुछ भी तुम्हारा साथ देगी?
कुछ काम आने वाला है? ऐसा क्या कमाया है तुमने जो तुम्हारे साथ वहां काम आए? क्या कमाया तुमने? कितनों का पेट भरा, कितनों के आंसू पहुंचे, कितनों का दर्द समझा, कितनों का दर्द दूर किया? मेरी माँ, संसार का कमाया हुआ पैसा साथ नहीं जाने वाला। जो धन तुम कमाते हो, या तो वो देकर जाना पड़ता है या छोड़कर जाना पड़ता है। पैसा या बेटे को देकर चले जाओ, या तो पुण्य के लिए देकर चले जाओ, या तो परोपकार के लिए पैसा देकर चले जाओ, नहीं तो छूट तो जाना ही है। इससे ज्यादा कोई गति नहीं है पैसे की, या देकर जाओ या छोड़कर जाओ। लेकर तो आज तक कोई नहीं गया, इसलिए देकर जाना सीखो। पुण्य करो, पुण्य करो, जरूरतमंदों की सेवा करो।